प्रदेश के सिंचाई यांत्रिकी मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि जिला योजना समिति की बैठक 2019-20 के लिए 58,511 लाख का बजट पास किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 से 1,220 लाख रुपए अधिक है। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पानी की कमी को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने पहली बार कृत्रिम बारिश कराने का फैसला लिया है, जिसके लिए महोबा जिला को चुना गया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कृत्रिम बरसात के लिए पहले पड़ोसी मुल्क चीन से बात हुई थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसके बाद अपने प्रदेश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम बरसात की योजना बनाई है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि गोरखपुर जनपद निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वस्थ पेयजल सहित अन्य जनउपयोगी विकास कार्यों पर सरकार काम कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि आज जिला योजना का परिव्यय 58,511 लाख का पास हुआ है। इस परिव्यय में जिला योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, आवास आदि आदि का वर्णन किया गया है। वर्णन ही नहीं बल्कि इनका प्रावधान करके धन आवंटित जन पर किया गया है। जनपद गोरखपुर में सभी विकास के काम, जो सभी विभाग हैं, सभी विभागों का परिव्यय आज आवंटित कर दिया गया। साथ ही ये निर्देश दे दिए गए कि पूरा तन्मयता के साथ गोरखपुर का विकास करें और गोरखपुर विकास की श्रेणी में प्रथम अव्वल। बहुत बड़ा ये सौभाग्य कि योगी आदित्यनाथ जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उस अनुसार इसका विकास भी हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरा एक सीधा मानना है, हमने एक नया काम किया है। देश की संपदा सोना, चांदी, रुपया, पैसा, धन दौलत नहीं है। देश की संपदा धरती है और धरती पर बहने वाली नदियां हैं जो आज विलुप्त हो रही हैं। आपकी जनपद गोरखपुर की आमी नदी भी हमने सम्मिलित की है संरक्षित करने के लिए। उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में सिंचाई विभाग ने नदी संरक्षण और पुनर्जीवीकरण सेल का गठन किया है, जिसमें 8 नदियाँ चिन्हित की हैं। क्योंकि बहुत अच्छा विषय आपने उठाया, पानी है नहीं, पानी का अभाव है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता से अपील भी करना चाहता हूँ, पानी बचाएं, पानी का कम खर्च करें, क्योंकि ज़मीन के अंदर भी पानी नहीं है, बरसात होती नहीं है, नदियों में पानी है नहीं, पानी आएगा कहाँ से? ज़मीन से हम बहुत पानी निकाल चुके हैं, तो इसलिए ग्राउंड वाटर संरक्षित रहे। इसके लिए जो बुंदेलखंड हमारा, दो ज़िले बहुत सूखे हैं, महोबा ज़िला बहुत शुष्क है, बांदा भी उसी तरीके से है। कभी कभी हम महोबा में पानी पीने के लिए टैंकरों से पानी देते हैं, तो इसके लिए हमने कृत्रिम बरसात की व्यवस्था की थी। पिछले बार फरवरी में चाइना से बात हो गई थी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैंने अनुमति चाही थी कि चाइना कृत्रिम बरसात के लिए हमसे 10.5 करोड़ रुपये हम कह रहा है। उन्होंने कहा धर्मपाल सिंह कोई ज़्यादा नहीं है, 1,000 वर्ग किलोमीटर पर 10.5 करोड़ में यदि वो बरसात करता है, नई पद्धति है, लागू कर दो। हमने चाइना को कह दिया, चाइना ने भारत में आने से मना कर दिया। हमने ये भी कहा ग्लोबल टेंडर कर लो, तो भी उन्होंने मना कर दिया। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से शुभ संदेश, खुशी का समाचार बताना चाहता हूँ। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने और विशेषकर IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने इस विधा को तैयार कर लिया है। 1,000 वर्ग किलोमीटर में जहाँ चाइना 10.5 करोड़ रुपया मांग रहा था, वही हमारी स्वदेशी टेक्निक से 5.5 करोड़ रुपए में 1,000 वर्ग किलोमीटर में बरसात होगी, जो हानिकारक नहीं है। सबसे पहले वो कैसे बरसात होगी मैं ये भी बताना चाहता हूँ जनता को। हेलीकॉप्टर से बर्फ़ का छिड़काव होगा जितने क्षेत्र में बरसात करेंगे, इसके बाद नमक का छिड़काव करेंगे, मशीन से बादलों को ऊपर से उतार कर नीचे लाया जाएगा, फिर घनघोर घटाएं छाएंगी, अंधेरा होगा, तब बरसात होगी। वैज्ञानिकों को थोड़ी चिंता है कि बरसात मोटी धार हो जाएगी, रोकना मुश्किल होगा, तो इसके लिए हमने अपने उत्तर प्रदेश का महोबा जिला चुना है जो पथरीला है। क्षेत्र पंचायत में मनरेगा से काम नहीं हो पा रहा है, गोरखपुर में बाकी जगह हो रहा है, तो जिलाधिकारी से कहा है, CDO को बताया गया है, तो इस योजना को भी वो संभाल कर ला रहे हैं और क्षेत्र पंचायत में भी काम करेंगे। जहां आपने कहा भुगतान का, मनरेगा से जिन्होंने काम किया है और भुगतान नहीं हो पाया तो हम उसका भुगतान कराएंगे। छुट्टा पशुओं के लिए क्या योजना है? छुट्टा पशुओं की बड़ी समस्या है और ये छुट्टा पशुओं की समस्या
गोरखपुर में जिलाधिकारी ने से बात हुई है, उन्होंने 2000 पशुओं को रखने का प्रबंध कर लिया है। योजना के अनुसार उसका निर्माण कार्य भी हुआ, गौशालाएँ का निर्माण कार्य हो रहा है, महाराजगंज तक से छुट्टा पशु रखे जाएंगे। और छुट्टा पशु ये आज की समस्या नहीं है, हम आपके माध्यम से जनता से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि गाय हमारी माता है, भारत माता की दो आँखें हैं गाय और गाँव, आज दोनों ही संकट में, तो इसलिए गाय को दूध देकर छोड़े नहीं, गाय को दूध देकर अपने घरों में बांधें, पालने का काम करें। फिर भी योगी सरकार ने चिंता की है, गोरखपुर में 2000 छुट्टा पशु रखने का प्रबंध हो गया है और ब्लाकों में भी इसकी व्यवस्था करा दी। देखिए आज जिला योजना में ये विषय चर्चा आई है, काम तो बहुत है, चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन अब निश्चित रूप से महीने में 15 दिन में जाने का काम अगले सत्र में शुरू कर देंगे। मंत्री जी को जिला पंचायत सदस्य थे, उनका कहना था कि क्षेत्र में उनको दो बार बैठक हो चुकी है, कोई योजनाएं नहीं मिली उनको, गांव में खड़ंजा लग रहा है। देखिए जिला पंचायत सदस्यों को जिला पंचायत में कहने का हक है, जिला पंचायत से उनका विकास होता है, जिला पंचायत में एक योजनाएँ हैं, जिला पंचायत के माध्यम से उन्हें विकास कराना चाहिए। और यहाँ बैठते वो यदि विकास में उनकी रुचि होती तो यहाँ जिला योजना में अपनी बात रखते, तो जिला योजना में उनके विकास की योजनाओं को हम सम्मिलित कराने का काम करते। वो तो विकास में उनकी रुचि ही नहीं है, आते ही उन्होंने तो अपनी बात कहना प्रारंभ कर दी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जब कृषि से संबंधित चर्चा होती, कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, देश की तरक्की तब होगी जब ग्रामीण भारत की तरक्की होगी, और ग्रामीण भारत की तरक्की तब होगी जब गांव की तरक्की होगी, और गांव की तरक्की तब होगी जब खेती की, किसान की, खलिहान की तरक्की होगी। यदि वो विकास से जुड़े हुए लोग होते तो कृषि के मुद्दे पर बैठकर चर्चा करते और उसमें सुझाव देते, वो तो विकास विरोधी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे मार्गदर्शक हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस शपथ ली थी, संसद को प्रणाम किया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा सच्चा प्रजातंत्र तो उस दिन आएगा, गांव के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, घर बैठे प्रयोग कर ले, घर बैठे उसे न्याय मिल जाए, तो भारतीय जनता पार्टी सभी बिरादरियों का सामंजस्य बिठाकर जो बहुत पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाकर काम करने का काम कर रही है। आपके प्रश्न में दम इसलिए नहीं है कि हम बिरादरी की राजनीति नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर सिद्धांत की राजनीति करते हैं।